हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं मिर्च का पौधा, जिसमें कुछ मिर्च भी लगी हुई हैं जो पूरी तरह से लाल हो चुकी हैं, और इसमें देखिए ढेर सारे फूल भी बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसको जानबूझकर इसमें छोड़ दी थी ताकि जो है इनकी जो बीज है अच्छी तरह से पक जाए और इस वैरायटी के ढेर सारे मिर्च के पौधे मैं तैयार कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, मैं इसको निकालूंगी, निकालने के बाद मिट्टी में ग्रो करूंगी और फिर से ढेर सारे मिर्च के पौधे हमारे तैयार हो जाएंगे। और भी मैं मिर्च की सीड को लगाई हूँ, जिसका रिजल्ट मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए देखिए, जो रेगुलर हम खाने में यूज करते हैं हरी मिर्च, वही मिर्च है। तो फ्रेंड्स, मैं इसकी वीडियो भी बना चुकी हूँ। जब मैं मिर्च की सभी ब्रांचेस को हटा रही थी, तब इसमें कुछ मिर्च लगी हुई थी जो सूख गई थी, तो मैं मिर्च को तोड़कर मिट्टी को हटाने के बाद इसमें दबा दी थी। और देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से हमारी मिर्च का पौधा जो है निकल रहा है। और भी मैं मिर्च लगाई हूँ, देखिए यहाँ पर ढेर सारे मिर्च के पौधे हैं। देखिए, बहुत अच्छी तरह से ढेर सारे घने हो चुके हैं। थोड़े से जब बड़े हो जाएंगे तो मैं इसको निकाल कर दूसरे गमले में लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको तोड़ लेंगे इस तरह से। देखिए, मैंने तोड़ लिया और अब मैं इसको जो है मिट्टी में ग्रो करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी बीजों को निकाल दिया है मिर्च से, और ये बीज बहुत ही अच्छी तरह से पक चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये थोड़ी सी जगह मुझको मिली है इसमें गमले में, तो मैंने सोचा कि अब इसी में ही ग्रो कर देंगे इसको। तो बस कुछ नहीं करना है, इस तरह से हम मिर्च की सीड को हम इसमें डाल देंगे, फिर इसके ऊपर से मिट्टी डाल देंगे। तरह से मैंने डाल दिया। थोड़ा सा मैं ऊपर से पानी छिड़क दूंगी। और ये जो बच्चा है इसको भी हम मिट्टी में दबा देंगे। तो फ्रेंड्स, जब इसमें मिर्च के नए पौधे निकलेंगे तो फिर मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।